Good morning, sir. My name is Jenny Jacinta Areng of Class 9 from Kendriya Vidyalaya, Moscow. You had given many suggestions to our parents last year. This resulted in the change of attitude of my parents, and now I've been interacting with them about my tensions of examination, fear of failure, etc. Their smile with a statement, "You can do it," makes me much more motivated. I'm really very thankful to you, sir. पिछले साल आपने हमारे पेरेंट्स को बहुत अच्छी अच्छी सलाह दी थी. इसका नतीजा ये हुआ कि उनका नज़रिया ही बदल गया. अब मैं अपने पेरेंट्स से मेरी एग्ज़ाम तथा असफलता का डर, इन सब के बारे में बातचीत करती हूँ. उनका मुस्करा के ये कहना, यू कैन डू इट, यानी तुम कर सकती हो, मुझे और भी ज़्यादा प्रेरणा से भर देता है. इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. माननीय, इस विषय में कुछ कहें. आपने क्रेडिट मुझे दे दी. दरअसल क्रेडिट आपके माँ बाप को जाती है, क्योंकि उन्होंने सही बात को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपनी पुरानी जो भी हैबिट थी या ईगो था उसको छोड़ करके नए तरीके से उन्होंने सोचने का विचार किया. ये बात साफ है कि अभिभावकों का सकारात्मक रवैया बच्चे की जिंदगी की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है. टीचर्स का भी आपने देखा होगा, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो तीन चार बच्चों के पीछे उनका लगाव होता है. वो सवाल पूछेंगे तो उसके बात करेंगे, कोई आया सवाल पूछना है तो वो हाथ उठाता है तो उसी को कहेंगे अच्छा बोलो. उनको प्यारा लगता है, उनको लगता है वो तुरंत ठीक कर लेता है, और उसके कारण क्लास के बाकी बच्चों के मन में उस टीचर के प्रति भी एक अभाव पैदा होना शुरू हो जाता है. एक जो सम्यक दृष्टि का अभाव होता है उसका परिणाम होता है. उसी प्रकार से माँ बाप भी, कभी अपने यार दोस्तों के यहाँ गए हो तो आपने देखा होगा कि पता चले कि हाँ इनका बेटा ने ये किया तो उसको बुलाएंगे, सुन देख इसने क्या किया. यानी 25 लोगों की भरी सभा में रिश्तेदारों के बीच में माँ बाप उसको वहीं सिखाना चाहते हैं, देख ये मोहन भाई के बेटे ने क्या किया, देख तू है जो कुछ करता नहीं है. हो गया मामला खत्म. और ऐसी आदत करीब सबको होती है. आप घर में भी जाओगे तो सुनाएंगे कि देखो मामा का बेटा कितना आगे निकल गया. तुम कुछ सोचो, ये जो कंपेरिजन है ये माँ बाप ने टीचर ने कभी नहीं करनी चाहिए. उससे उसको बहुत निराशा मिलती है, उसको हतोत्साही कर देते हैं. ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक परिणाम लाती हैं जिसकी शायद हमने भी कल्पना नहीं की है. हमारा काम होना चाहिए उसको प्रोत्साहित करना. ठीक है वीक है बच्चा, लेकिन वो वीक क्यों है, क्योंकि आपने 90% वाले की तुलना करना शुरू किया इसलिए आपको बुरा लगता है. लेकिन आप उसको ये कहो कि देखो बेटा पिछली बार तुम 55% लाए थे, इस बार 60 ले आए, क्या कमाल कर दिया तूने. बेटा तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया. 55 से 60 की जो खुशी है वो उसको 60 से 90 ले जाने की ताकत दे सकती है. लेकिन 90 क्यों नहीं लाया, इसलिए 60 को कोसते रहोगे तो बच्चा 60 से 40 की ओर चला जाएगा, 60 के 70 की ओर नहीं जाएगा. और ये एक एनवायरमेंट बहुत आवश्यक है. हम कोसते रहेंगे, हम उसको नीचा दिखाते जाएंगे बच्चों को, तो हम उसको कभी भी ताकतवर नहीं बना सकते हैं. मैं सरकार में काम करता हूं, अगर मुझे कोई छोटी भी बात किसी अफसर को कहनी है तो अलग से कभी मिल जाए तो बताता हूं कि देखो यार इसका कैसे करेंगे. लेकिन समूह में जब मिलता हूं मैं जी जान से उनकी तारीफ करता हूं, जी जान से करता हूं तारीफ. और वो तारीफ झूठी नहीं होती है जी. उन्होंने भी अपने समय की जो भी शक्ति है अनुभव है पूरा निचोड़ दिया होता है. ठीक है प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुसार 2 कदम पीछे रह गया होगा, लेकिन उसके कारण उसकी मेहनत बेकार नहीं है जी. टीम स्पिरिट के लिए ये गुण बहुत आवश्यक होते हैं. मेरा भी आपसे आग्रह रहेगा, आप अपनी तुलना अपने पुराने रिकॉर्ड से कीजिए, आप कंपटीशन अपने रिकॉर्ड से कीजिए.
आप अपने रिकॉर्ड ब्रेक कीजिए। आप अगर खुद के रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे तो आपको कभी भी निराशा की गर्त में डूबने का मौका नहीं आएगा। आप अपने आगे बढ़ना, और उसमें आपको पता है कि मैं 3 घंटे नॉनस्टॉप काम कर सकता हूं, 3.5 घंटा करना है तो 3 का पता है तो 3.5 का सोच सकते हो। सामने वाला 5 का कर सकता है तो मैं 5 नहीं कर सकता हूं, छोड़ो यार मैं 3 के 3.5 कैसे कर लूं। ये बदलाव बहुत जरूरी है, अगर ये आपने कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं किसी तनाव से आपको गुजरना पड़ेगा।